पिछले क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम शुरू किए थे। टॉपिक शुरू ही हुआ था, चैप्टर चल ही रहा था कि कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिसके कारण मुझे पुराना ओल्ड वीडियो डालना पड़ा। तो कुछ बच्चे ओल्ड वीडियो देखे होंगे, कुछ नहीं देखे होंगे, किसी को कुछ पता नहीं है, तो हम शुरू से पढ़ाते हैं। अगर कोई ओल्ड वीडियो देखे हैं तो रिवीजन हो जाएगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्या जीरो से शुरू करते हैं फिर से? आज समझ लो कि ट्वेल्थ आज ही से स्टार्ट हो रहा है। आवाज मिल रहा है सबको? रिप्लाई करें आप लोग, यस सर, नो सर, कुछ भी। आवाज आ रहा है? वीडियो की क्वालिटी अच्छी दिख रही है आपको? आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा है सब? चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। मैना करें श्री गणेशाय नमः। ट्वेल्थ का श्री गणेशाय नमः करते हैं और इलेवेंथ का रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं ना। आज वर्क पावर एनर्जी का फिर अगला लेक्चर जाएगा, लेक्चर 5 का पार्ट 3, ठीक है, देख लीजिएगा। बहुत जल्द सेंटर ऑफ मास शुरू होगा वर्क पावर एनर्जी में। आज वाला लेक्चर के बाद 2 से 3 लेक्चर और होगा, मैक्सिमम 4 लेक्चर, उसके बाद सेंटर ऑफ मास, ठीक है। वॉल्यूम 2 का भी वीडियो जाएगा। सारा प्रोसेस आपको एक इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, कौन वीडियो कब जाएगा। मतलब मेरी यही इच्छा है कि आपको रेगुलर इंटरवल पे वीडियो मिले, लाइव क्लास मिले और असाइनमेंट मिले बनाने के लिए। सबकी तैयारी चल रही है, बहुत जल्द असाइनमेंट भी आपको, ऐसे पहले से ओल्ड असाइनमेंट डाला हुआ है, आप असाइनमेंट सेक्शन में जाइएगा, स्टडी एंड मटेरियल सेक्शन में जाइएगा तो हर चैप्टर का असाइनमेंट DPP डाला हुआ है। लेकिन आप लोग के लिए क्या नया होगा ये भी असाइनमेंट और DPP हम अपलोड करेंगे, ठीक है। पहले पढ़ लीजिए कुछ, फिर उस पर क्वेश्चन बनाइएगा। और जानते ही हो, चाहे ऑफलाइन क्लास हो या लाइव क्लास हो या रिकॉर्डेड वीडियो हो, किसी भी टॉपिक को हम कितना सारा एग्जाम्पल करवाते हैं ताकि वो टॉपिक आपका मजबूत हो जाए, धांसू हो जाए, है ना। इसलिए बस आप मेरे से कनेक्टेड रहिए, जुड़े रहिए। घर बैठे, जब तक कि सरकार का आदेश नहीं आता है, घर बैठे ऐसा पढ़ाई करवाएंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। सब फैसिलिटी देंगे एकदम ऑफलाइन की तरह। लेक्चर देखना है, क्वेश्चन बनाना है, जो डॉट होगा मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे पूछना है। सबको हम अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी दे दिए, ऐसे चैट पे भी डॉट पूछ सकते हो, सारा व्यवस्था है ना। क्लियर? हमसे जुड़े रहना है। सब लोग अपने व्हाट्सएप पे मुझे जोड़ लिए हो ना, ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल जोड़ोगे, जो भी डॉट होगा, जो कुछ भी बोलना होगा इंडिविजुअली बोल सकते हो, ठीक है। चलिए और बच्चे सब आ जाइए। हम आज मैनेजमेंट को बोल देते हैं कि और बच्चे को मैसेज चला जाए कि सब बच्चे लाइव क्लास ज्वाइन करें, एकदम बढ़िया टाइम रखे हैं दोपहर में, है ना। सब बच्चे लाइव कैसे हो, हम मैनेजमेंट में रिक्वेस्ट करते हैं कि सब बच्चे लाइव हो जाएं, ठीक है। चलो रिकॉर्डेड वीडियो जो लोग देखे, समझ में आया था रिकॉर्डेड वीडियो, थोड़ा रिप्लाई करें फिर हम चैप्टर शुरू करते हैं। जीरो से शुरू करें ना चैप्टर, एकदम जीरो से। चैट करें, आपका ऑडियो म्यूट है, अगर आप बोलते भी होंगे तो आवाज आने वाला नहीं है। चैट करके बताएं, जीरो से शुरू करें। आप लोग को मौका दिए थे पिछले क्लास में, लेकिन बहुत डिस्टर्ब किए आप लोग, इसलिए हम ऑडियो आज म्यूट करवा दिए हैं। आज पहला क्लास है, एकदम जीरो से शुरू करें। सब लोग रिप्लाई करें, यस नो, जल्दी प्लीज शुरू करें जीरो से। सब लोग रिप्लाई करें एकदम जीरो से।
सब लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई करें। इको आ रहा है? इको तो नहीं आ रहा है, आज तो पूरा व्यवस्था है। चलिए आ जाओ, शुरू करते हैं ट्वेल्थ का पहला चैप्टर, है ना? है ना? क्लियर? तो देखो ट्वेल्थ का जो चैप्टर है वो दो भागों में बटा है, एकदम जीरो से शुरू करते हैं। और इंफॉर्मेशन वीडियो में जाइएगा, आपको एक वीडियो अपडेट होगा जिसमें ट्वेल्थ का फुल सिलेबस होगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बिहार बोर्ड, सीबीएसई, दुनिया में जितना भी बोर्ड है सबके लिए वो है। वो इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको दिखने लगेगा एक से दो दिन में, देख लीजिएगा आप। तो 11 दो भाग में बटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो भाग में बटा, पिछले क्लास में बताए थे, फिर से सुन लो। पहला पार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हम लोग को पढ़ना है आज, और दूसरा पार्ट होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। जहां चार्ज मोशन में रहेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट होगा, जहां चार्ज मोशन में रहेगा, सॉरी, जहां चार्ज रेस्ट में रहेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा, और जहां चार्ज मोशन में होगा वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होगा। ट्वेल्थ का चैप्टर है ना जो शुरू का है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो भागों में बटा, आगे और भी ब्रांच है ना, ऑप्टिक्स पढ़िएगा आप लोग, मॉडर्न फिजिक्स पढ़िएगा, है ना। मतलब यूं देखा जाए तो ट्वेल्थ तीन ब्रांच में बटा, एक ब्रांच हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्लियर, दूसरा ब्रांच हो गया ऑप्टिक्स, और तीसरा ब्रांच हो गया मॉडर्न फिजिक्स। तो हम लोग ट्वेल्थ का पहला ब्रांच पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये दो भाग में बटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसमें हम लोग पहला पार्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज रेस्ट में रहेगा, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब चार्ज मोशन में रहेगा, क्लियर। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज एट रेस्ट पढ़ेंगे, क्लियर। इसको कहीं ब्रैकेट में लिख लेना, है ना, जैसे आप जब नोट्स बनाते हैं तो कॉपी के ऊपर कुछ लाइन छोड़ा रहता है खाली जगह, बोलते थे ना ऑफलाइन क्लास में, छत पे लिख लो, छत पर, कॉपी के छत पे, कॉपी के छत पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो भाग में बांटो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। इसमें हम लोग को पहला पार्ट पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्लियर। चलिए लिख के ब्रैकेट में बंद कर देना। चलिए ब्रांच समझ गए, चलिए आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देखो नाम से ही लग रहा है कि इलेक्ट्रो मतलब चार्ज और स्टैटिक्स मतलब रेस्ट, नाम से लग रहा है। तो क्या होगा इसका डेफिनेशन इस चैप्टर का? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट स्टैटिक पॉइंट चार्ज या स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, स्टैटिक पॉइंट चार्जेस एंड इट्स नेचर, एंड इट्स नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, ये फिजिक्स का एक ब्रांच है, जिसमें इन विच वी स्टडी अबाउट स्टैटिक पॉइंट चार्जेस
एंड इट्स नेचर। यानी इस चैप्टर में हम स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, रेस्ट वाले चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, उसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, उसके फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि चार्ज कितने टाइप का है, चार्ज क्या क्या कर सकता है, चार्ज का उत्पत्ति होने से, चार्ज का खोज होने से दुनिया को क्या क्या फ़ायदा हुआ, इसका ओरिजिन क्या है, ये कितने टाइप का है, ये सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव क्यों होता है, सारा चार्ज का पूरा प्रॉपर्टी भी देखेंगे, है ना। चार्ज कंजर्व होता है एनर्जी की तरह, है ना, चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज क्वांटाइज होता है ना, ये फ्रैक्शन में नहीं पाया जाता है, क्लियर। ये सारा प्रॉपर्टी हम लोग जानेंगे, बात आया समझ में। इसमें एक चीज सामने आ रहा है, पॉइंट चार्ज। अगर हम ये लिखते कि यह फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं तो क्लियर था, लेकिन एक लाइन और जोड़े हैं, पॉइंट, क्या है पॉइंट चार्ज, तो समझिएगा पॉइंट चार्ज के बारे में। मान लो ये कोई बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है, और स्फेरिकल बॉडी पे मान लो, अभी तो चैप्टर शुरू ही हो रहा है, इस पे प्लस चार्ज है। एक एक बात बताएंगे कि प्लस चार्ज कहां से आया, और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। दोनों बॉडी का सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस मान लो डी है, तो पॉइंट चार्ज का मतलब अगर दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस अगर बॉडी के साइज से बड़ा हो जाए, ये दोनों बॉडी का जो साइज है, ये दोनों बॉडी का जो साइज है, साइज मतलब रेडियस, अगर बीच का डिस्टेंस ये दोनों बॉडी के साइज से बहुत 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 बड़ा हो जाए, तब ये दोनों पॉइंट बॉडी कहलाएगा, और चूंकि इस पे चार्ज है तो ये पॉइंट चार्ज कहलाएगा, क्लियर। अब सोच लो ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस मीटर में हो और बॉडी का रेडियस मिलीमीटर में हो, तो मीटर के सामने मिलीमीटर बहुत छोटा हो गया, या बॉडी के बीच का डिस्टेंस किलोमीटर में हो, बॉडी के बीच का डिस्टेंस किलोमीटर में हो और बॉडी का रेडियस सेंटीमीटर में हो, तो किलोमीटर के सामने सेंटीमीटर बहुत छोटा हो गया। तो सिंपल क्या ध्यान रखिएगा, दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस अगर दोनों बॉडी के साइज से बहुत बहुत बड़ा हो, दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस बॉडी के साइज से बहुत बहुत बड़ा हो, तो ये पॉइंट बॉडी कहलाएगा, और चूंकि इस पे चार्ज रखे हैं तो ये पॉइंट चार्ज कहलाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टैटिक पॉइंट चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, या आप ऐसा समझ सकते हैं, ये सब चीज़ को भी ब्रैकेट में लिखना, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट होगा मेरे बच्चा, इसको ब्रैकेट में लिखना, समझा, हाँ कि नहीं, अरे बोला रे सुखवा रे चुखवा, यहाँ पे चार्ज है ना, कलर चेंज कर देते हैं ना, चलो ये ऐसे समझ सकते हो। एक एग्जांपल और, मान लो कोई बॉडी है, इस बॉडी पे प्लस चार्ज है, सारा चीज बताएंगे कहां से आया ये चार्ज, क्यों नाम पड़ा पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव से पहले क्या नाम था इसका, आज बिल्कुल हलवा चैप्टर है, मतलब हलवा टॉपिक है, हलवा लेक्चर है, पूरा बेसिक चीज जानेंगे, हिस्ट्री जानेंगे चीजों का, है ना। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे चीजें मजेदार होती जाएगी, मजा आने लगेगा, बहुत मजेदार चैप्टर है, और जानते ही हो कि फिजिक्स का हर चैप्टर मजेदार होता है, हर चैप्टर मजेदार होता है, ठीक है, ओके। चलो तो मान लो ये बॉडी है और इस बॉडी का रेडियस आर है, और इस बॉडी को कोई आदमी डी डिस्टेंस से देख रहा है, देखने वाला को हम लोग ऑब्जर्वर बोलते हैं, देखने वाला को क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर बोलते हैं। तो मान लो सेंटर से आदमी के सेंटर, बॉडी के सेंटर से आदमी का डिस्टेंस डी है, अगर ये डिस्टेंस बॉडी के रेडियस से बहुत बहुत बड़ा हो जाए, रेडियस को ही साइज बोलते हैं, अगर ये जो डिस्टेंस है, ये आदमी जहां से देख रहा है इसको, मान लो ये आदमी है, वो बॉडी से डी डिस्टेंस पे है, अगर वो डिस्टेंस बॉडी के साइज से बहुत बहुत बड़ा हो जाए, बॉडी के रेडियस से बहुत बहुत बड़ा हो जाए, तो ये जहां से दिख रहा है ना, उसको ये लगेगा कि एक पॉइंट है ना। मान लो मेरे बॉडी से कोई स्फेरिकल बॉडी 10 किलोमीटर पर रखा हुआ है,
क्लियर। और बॉडी जो रखा हुआ है उसका रेडियस सेंटीमीटर में है, तो मान लो जितना दूरी से हम देख रहे हैं वह दूरी बॉडी के रेडियस से बड़ा होगा तो हमको वो बॉडी का एक्चुअल साइज नहीं दिखेगा, एक पॉइंट की तरह दिखेगा। अगर कोई बॉडी को हम बहुत दूर से देख रहे हैं तो एक पॉइंट की तरह दिखेगा, तो पॉइंट बॉडी हो गया। चूंकि उस पर चार्ज है तो उसको पॉइंट चार्ज बोलेंगे। ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। चलो ये ब्रैकेट वाला चीज एक्स्ट्रा है, इसको एक्स्ट्रा में नोट करना। यहां तक सारा चीज क्लियर है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, जल्दी रिप्लाई करो। यहां तक सारा चीज क्लियर है, रिप्लाई करो। आज बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, छोटा छोटा बात हम लोग जानेंगे, क्योंकि 12th के पहला चैप्टर का पहला लेक्चर है, पहला दिन है, जैसे ऑफलाइन क्लास में पहला चैप्टर स्टार्ट होता है, तो एकदम बेसिक बेसिक बात जानेंगे, ठीक है। क्लियर, यहां तक आगे बढ़े। पॉइंट चार्ज क्लियर है, आवाज आ रही है अच्छे से, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से दिख रहे हैं ना हम, मजा आ रहा है, जल्दी बोलो, एकदम फील हो रहा है ना ऑफलाइन वाला, है ना। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ए झूलनवा साहब, है ना। चलें, पॉइंट चार्ज क्लियर है। आप बस अपने मोबाइल में नेट रखिए, बस आप अपने मोबाइल में सिर्फ नेट रखिए, नेटवर्क रखिए, घर में जहां पे नेटवर्क रहे वहां पे पढ़िए, जान जी लगा देंगे आपको पढ़ाने में, जान जी लगा देंगे। वीडियो उतना क्लियर नहीं आ रहा है तो आपके में नेटवर्क नहीं होगा। हाँ, ये लिख रहा है, आप हैंडसम लग रहे हैं, लाइव में आके यही सब बोलना, ये पूछोगे कि सर डॉट पूछना है तो बढ़िया बात है। नहीं बाबू, मेरे तरफ से कोई कमी होने वाला नहीं है, पूरा बजट है मेरे पास, एकदम तगड़ा व्यवस्था है, आप अपना रखिए अच्छे से, यहाँ से कोई गड़बड़ी होने वाला नहीं है। और बच्चे लाइव होइए, इतना लाइव से काम नहीं चलेगा, इतना लाइव हो जाओ कि एकदम दुनिया का नेटवर्क हैंग हो जाए, है ना। फैला दो कि आदित्य आज फिजिक्स क्लासेस में लाइव क्लास स्टार्ट हो गया है बढ़िया से। हाँ, मोबाइल सब लोग ले लीजिए, अब तो मोबाइल ही काम करेगा ना। चलें, चले आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए इसका, चलिए अब ध्यान सुनो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमेशा एक चीज आ रहा है चार्ज के बारे में, क्या है भाई? तो ये फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टैटिक पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, उसके नेचर के बारे में पढ़ते हैं। तो एक सामने दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, क्या है चार्ज, कहां से आया ये चार्ज, क्या है इसकी उत्पत्ति, क्या है इसका ओरिजिन, क्या है। हर जगह चार्ज 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 चार्ज, क्या है चार्ज। तो अब हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो चार्ज का डिफिनीशन जो है हम लोग दो तीन तरीके से देखेंगे, एक डिफिनीशन उसके प्रॉपर्टी के आधार पर होगा, लेकिन चार्ज का जो रियल डिफिनीशन होगा वो 5-10 मिनट बाद आएगा रियल डिफिनेशन। और रियल डिफिनेशन देखने के लिए वीडियो को बस देखते रहिए, एकदम लाइव बने रहिए, है ना। देखो, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसका डिफिनेशन हजारों हो सकता है, वैसा ही चार्ज है। फिजिकल क्वांटिटी समझते हो ना, जिसे मापा जा सके और तौला जा सके, है ना। तो चार्ज का भी डिफिनेशन बहुत हो सकता है। तो आइए पहला डिफिनेशन हम लोग देखते हैं, क्या है चार्ज, पहले समझ लो फिर लिखवाएंगे। चार्ज किसी बॉडी का वह गुण है जिस गुण के कारण या तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। चार्ज किसी बॉडी का वह गुण है जिस गुण के कारण या तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड या तो यह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज क्या है, किसी बॉडी का गुण है जिस गुण के कारण यह फील्ड क्रिएट करता है
या तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और चूंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे, आगे तो इसका स्पेशल लेक्चर ही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अभी थोड़ा सा जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। क्लियर? क्या है चार्ज? चार्ज किसी बॉडी का गुण है जिस गुण के कारण ये फील्ड क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। क्लियर? अब समझिए ध्यान से, अगर मैं थोड़ा सा जानूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, थोड़ा सा चर्चा करूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो बात सामने आएगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी चार्ज बॉडी के चारों तरफ ऐसा एरिया, ऐसा स्पेस, ऐसा रीजन। अभी समझ लो कि चार्ज के प्रॉपर्टी, चार्ज क्या करता है इसके आधार पर इसका डिफिनेशन बता रहे हैं। चार्ज क्या है अभी तो हम शुरू ही नहीं किए हैं, अभी तो चैप्टर हम स्टार्ट ही नहीं किए हैं। और जानते ही हो ना, ऑफलाइन क्लास में भी मैं ऐसा ही करता हूं, पूरा एक एक लाइन डेप्थ में मैं जाऊंगा, पूरा समुंदर के नॉलेज में जाऊंगा, जान जी लगाऊंगा। आप जहां हो वहीं से अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, बस जहां रहे सुरक्षित रहे, जान जी लगाने वाले हैं। तो अभी चार्ज क्या करता है उसके आधार पर डिफिनेशन बता रहे हैं, फिर बताएंगे कि चार्ज क्या है। तो चार्ज किसी बॉडी का वह गुण है जिस गुण के कारण या तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है या तो यह मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या जवाब आएगा? यह अलग बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग आगे पढ़ेंगे, यह अलग बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे पढ़ेंगे, उसका अलग से लेक्चर आएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि चैप्टर में जान आ जाए, मजा आ जाए, है ना। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो किसी चार्ज बॉडी के चारों तरफ ऐसा एरिया, ऐसा स्पेस, ऐसा रीजन, ऐसा क्षेत्र, जहां तक एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, जहां तक एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, ऐसे एरिया को, ऐसे स्पेस को, ऐसे रीजन को, ऐसे क्षेत्र को चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, जहां तक एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है ना। हर आदमी का अपना एक क्षेत्र होता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्षेत्र, एरिया, जगह, स्पेस। और आप यह बोल सकते हो कि फील्ड का मतलब गुंडा, कोई भी फील्ड का मतलब गुंडा। आज के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेट, कोई भी फील्ड बोले तो समझ लेना गुंडा। गुंडा का मतलब जहां तक वो फोर्स लगा सके। जैसे मान लो अगर हम बोरिंग रोड के गुंडा हैं तो मेरा औकात कहां तक? बोरिंग रोड तक। हम कंकड़बाग जाएंगे, मुंह धा के फोड़ देगा। अगर हम पटना के हीरो हैं, पटना के गुंडा हैं, हाजीपुर जाएंगे दौड़ा दौड़ा के मारेगा। हर आदमी का अपना एक क्षमता होता है, उस क्षमता के बाहर कुछ नहीं कर सकता है वो, है ना। मुखिया का औकात गांव तक, दूसरा गांव में उसका औकात नहीं चलेगा। हर आदमी का क्षमता है, हर गुंडे का क्षमता है, हर हीरो का क्षमता है। तो चार्ज का भी क्षमता है फील्ड प्रोड्यूस करना, और फील्ड का मतलब ही क्षमता। जहां तक एक चार्ज, जहां तक कोई एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, जहां तक फोर्स लगाएगा ना उसी एरिया को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्लियर? अब बताओ मुखिए का औकात कहां तक? गांव तक, डीएम का जिला तक, सीएम का राज्य तक, डीएम का मुखिया गांव तक, डीएम जिला तक, सीएम राज्य तक, पीएम देश भर। क्लियर? इसके बाहर कुछ नहीं कर सकता है वो, है ना। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी का अधिकार सिर्फ भारत भर में है, पाकिस्तान में कोई अधिकार नहीं है उनका। अगर वो कोई नियम निकाले तो दूसरा देश नहीं मानेगा, हमारे देशवासी ही मानेंगे। क्लियर? अभी नीतीश कुमार कोई नियम मनाएंगे, नियम निकालेंगे तो बिहार में ही वो लागू होगा, वो उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होगा। अगर नीतीश कुमार चाहेंगे कि मेरा बात यूपी वाले माने तो नहीं होगा। अगर यूपी में चल जाए दौड़ा दौड़ा के मारेगा यूपी का जनता। सबका औकात फिक्स है। उसी प्रकार चार्ज का भी औकात फिक्स है। चार्ज बॉडी के चारों तरफ ऐसा एरिया, ऐसा स्पेस, ऐसा रीजन, जहां तक एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सके। तो जब एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सके, जहां तक लगा सके, उस एरिया को, उस स्पेस को, उस रीजन को चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही है? आप यह भी बोल सकते हो कि फोर्स जाति वाले पे लगता है, चार्ज चार्ज पे फोर्स लगाएगा, मास मास पे फोर्स लगाएगा, मैग्नेट मैग्नेट पे फोर्स लगाएगा, आदमी आदमी पे फोर्स लगाएगा। आदमी कुत्ता से नहीं लड़ेगा। कभी देखे हो कोई आदमी बहुत दिन कुत्ता से लड़ाई कर रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा है।
कुत्ता काट लिया आदमी ढेला फेंक दिया अलग बात, लेकिन ऐसा तो नहीं है, जातीय संबंध तो नहीं है कि लड़ लिया। लड़ाई जाति वालों के बीच में होगा तो फोर्स भी जाति वालों के बीच में लगेगा। जाति चार्ज का जाति चार्ज, मास का जाति मास, मैग्नेट का जाति मैग्नेट, आदमी का जाति आदमी, आदमी आदमी से लड़ेगा, कुत्ता कुत्ता से लड़ेगा। क्लियर? और लड़ने का अपना एक क्षेत्र होता है, कि ऐसा नहीं कि कोई आदमी कहीं लड़ लिया, लड़ लोगे तो छुपा जाओगे, चुप देगा कोई, मुंह कान फोड़ देगा, लेकिन अपने फील्ड में लड़ोगे तो बच जाओगे। तो चार्ज का भी अपना एक फील्ड है, वहां तक ही वो फोर्स लगा सकता है। अब इसको लैंग्वेज में लिखेंगे। इस फील्ड समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया? जल्दी रिप्लाई करो, एकदम फास्ट रहिए, तुरंत हाँ या ना, जल्दी, पर्सनल मैसेज नहीं। समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड? मजा आ रहा है, फील हो रहा है ऑफलाइन की तरह? जल्दी बताओ, ऑफलाइन की तरह फील हो रहा है? यस। चार्ज कम्स विद मास। चार्ज किसी बॉडी का प्रॉपर्टी है, मतलब जिस बॉडी पर मास होगा उसी बॉडी पर चार्ज होगा, ये आगे लिखवाएंगे बाबू। नहीं आया समझ में? अरे सिंपल, विनय कुमार लिखते हैं नहीं, और एक बच्चे लिख रहे हैं सुना ए फिरदोस आलम नहीं। वीडियो हिल डोल रहा है कैसे हिल डोल रहा है? अरे तो हम ना हिल रहे, वीडियो थोड़े हिलेगा ठीक है। विनय कुमार और एक बच्चे थे फिरदोस आलम, उनको नहीं आया समझ में, हम सिंपल तरीके से समझाते हैं, सिंपल तरीके से समझाते हैं उसको, लिखवाएंगे फिर से। देखो, चार्ज किसी बॉडी का एक प्रॉपर्टी है, मतलब चार्ज किसी बॉडी का प्रॉपर्टी होता है, जिस प्रॉपर्टी के कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो मेरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक फील्ड को अभी नेगलेक्ट करो, आगे पढ़ोगे, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो चार्ज किसी बॉडी का प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के कारण यह इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। तो हम आपसे क्वेश्चन किए कि अगर फील्ड का बात आ रहा है तो आप फील्ड के बारे में जान लेते हैं, फील्ड क्या होता है। तो मान लो ये कोई चार्ज बॉडी है, इसके चारों तरफ ऐसा एरिया, ऐसा स्पेस, ऐसा रीजन जहाँ तक दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सके। अगर इस चार्ज के फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आ गया तो इस ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, है कि नहीं? लेकिन अगर ये फील्ड के बाहर रहेगा तो फोर्स नहीं लगा पाएगा। जैसे अब मान लो चार्ज को Q से लिखते हैं, ये चार्ज इस फील्ड से बाहर है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर इसी चार्ज को फील्ड के अंदर लगाएंगे तो इसके द्वारा फोर्स लगने लगेगा। तो सिंपल बात हुआ कि किसी चार्ज बॉडी के चारों तरफ एक ऐसा एरिया होता है जिस एरिया तक एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सके। तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जहाँ तक फोर्स लगा सकता है, जहाँ तक फोर्स लगा सकता है उसी को फील्ड बोलते हैं, सिंपल। अब फील्ड के अंदर ही फोर्स लगेगा, फील्ड के बाहर नहीं। अगर हम बोरिंग रोड का गुंडा है तो हम किसी को बोरिंग रोड में ही चुप सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं, बाहर नहीं, क्योंकि बाहर तो मेरा औकात अपने आप जीरो हो जाएगा। सबका अपना एक फील्ड होता है, तो चार्ज का भी अपना एक फील्ड है, उस फील्ड में वो फोर्स लगा सकता है। सिंपल शब्दों में, जहाँ तक एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा सकता है उसी को फील्ड बोलते हैं। एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी पे फोर्स लगा सकता है उसी को फील्ड बोलते हैं, ठीक है। लिखते हैं सारी चीज़ों को, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत होगा ये बात को ध्यान रखना, बगल में कॉपी है, रफ पेज में लिख लेना कि ये सारा चीज़ सर से फिर से पूछना है, है ना। एक कॉपी रखना मेन कॉपी, ओके, मेन कॉपी में नोट, मतलब अभी लाइव के दौरान पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना, और जैसे ही लाइव क्लास समाप्त होगा सारा स्क्रीनशॉट को लिख लोगे। लेकिन लाइव क्लास के दौरान एक रफ कॉपी रखना, समझ में आ गया, अच्छे से आ गया, फिर भी अगर कुछ पूछना है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज देना लिख के, या ऑडियो भेज देना या इमेज भेज देना, हम अच्छे से समझा के भेज देंगे, ठीक है। चार्ज का प्रॉपर्टी,
इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्चू ऑफ विच, यह किसी बॉडी का गुण है जिस गुण के कारण, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्चू ऑफ विच इट एक्सपीरियंसेस, इट एक्सपीरियंसेस और प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज किसी बॉडी का गुण है जिस गुण के कारण, है ना, देख लो लाइक इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच, चार्ज किसी बॉडी का गुण है जिस गुण के कारण इट एक्सपीरियंसेस और प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस भी करता है और प्रोड्यूस भी करता है। इस बात को समझते हैं, जैसे मान लो कोई चार्ज है, इस चार्ज बॉडी के चारों तरफ ऐसा एरिया जिस एरिया तक ये चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सके, ठीक है। तो चार्ज बॉडी के चारों तरफ ऐसा एरिया जिस एरिया तक एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो सोच, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या किया, फोर्स प्रोड्यूस किया, ये फोर्स लगा रहा है तो ये प्रोड्यूस किया और ये एक्सपीरियंस किया, क्लियर। मान लो हम किसी को चोक दिए, हम क्या किए, हम फोर्स को प्रोड्यूस किए, हम जिसको पीटे वो फोर्स को एक्सपीरियंस किया और हम फोर्स को प्रोड्यूस किए। मान लो अभी हम इस बॉडी पे, मान लो ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पे हम फोर्स लगाए तो हम प्रोड्यूस किए और ये एक्सपीरियंस किया। तो चार्ज दोनों करता है, वो फील्ड को प्रोड्यूस भी करता है और फील्ड को एक्सपीरियंस भी करता है, क्लियर। जो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा, सिंपल, ये फोर्स लगा रहा है तो ये प्रोड्यूस किया, ये फोर्स को महसूस कर रहा है, एक्सपीरियंस मतलब महसूस करना, क्लियर। तो चार्ज किसी बॉडी का गुण है जिस गुण के कारण ये फोर्स को एक्सपीरियंस भी करता है, फोर्स प्रोड्यूस भी करता है। और फोर्स जहाँ तक लगाता है, फोर्स लगाने की क्रिया को ही हम लोग फील्ड बोलते हैं, फोर्स जहाँ तक लगाता है उस एरिया को फील्ड बोलते हैं। इसका दूसरा डिफिनेशन देखो, और चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट स्ट्रांगली अट्रैक्ट और रिपेल अनादर चार्ज बॉडी, अट्रैक्ट और रिपेल अनादर चार्ज बॉडी। ठीक है, देखते हैं इसका मतलब। चार्ज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, चार्ज किसी बॉडी का गुण है ड्यू टू विच, जिसके कारण इट स्ट्रांगली अट्रैक्ट और रिपेल अनादर चार्ज बॉडी। स्ट्रांगली का मतलब यहाँ पे है एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी पे जो फोर्स लगाता है, तो फोर्स लगाने में कोई टाइम नहीं लगाता है, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज। मतलब जब एक चार्ज के बीच में, एक चार्ज के पास दूसरा चार्ज लाएंगे तो फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे प्लस के पास प्लस चार्ज लाएंगे तो प्लस प्लस को रिपेल करने लगेगा, प्लस के पास माइनस लाएंगे तो प्लस माइनस को अट्रैक्ट करने लगेगा, और ये फोर्स लगाने में कोई टाइम नहीं लेता है, तुरंत फोर्स लगता है ना। इसलिए लिखा गया कि यह किसी बॉडी का गुण है जिस गुण के कारण इट स्ट्रांगली अट्रैक्ट, ये तुरंत अट्रैक्ट करता है, कोई टाइम लैग नहीं। एक चार्ज के पास दूसरा चार्ज लाएंगे, अगर प्लस के पास प्लस लाए तो प्लस प्लस को रिपेल किया, तो ये फोर्स लगाने में कोई टाइम नहीं लेता है, ये नहीं कि टाइम ले लिया, तुरंत फोर्स लगाता है। जैसे
मान लो इंसानी जीवन क्या है, किसी को देखे और प्यार हो गया, मन में चलने लगता है वो काश ये मेरा होता है, काश ये मेरी होती, ऐसा होता है ना, ये स्ट्रांगली हो गया। स्ट्रांगली का मतलब यहाँ पे मजबूती से नहीं, तुरंत, देर इज नो टाइम लैग बिटवीन, मतलब कोई चीज आप देखते हो और आपको पसंद आ जाता है, ये क्या है, स्ट्रांगली, स्ट्रांगली इंटरेक्शन, ओह काश ये मेरा होता, स्ट्रांगली इंटरेक्शन। और टाइम तो नहीं लेते हो, ऐसा तो नहीं है कि तुम रास्ते में देख लिया और चार दिन बाद सोच रहे हो, ओह, ऐसा नहीं होता है, तुरंत आप सोचते हो, इसी को बोलते हैं स्ट्रांगली इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब आइदर अट्रैक्ट और रिपेल, सेम चार्ज के पास सेम आएगा तो तुरंत रिपेल करेगा, प्लस के पास प्लस आएगा तुरंत रिपेल करेगा, माइनस के पास माइनस आएगा तुरंत रिपेल करेगा, प्लस के पास माइनस आएगा तुरंत अट्रैक्ट करेगा। ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है दो चार्ज के बीच में, ये स्ट्रांगली होता है। स्ट्रांगली का मतलब देर इज नो टाइम लैग बिटवीन टू चार्ज बॉडी, कोई टाइम लैग नहीं होता, तुरंत फोर्स लगाता है। क्या करना है, सेम नेचर है भगाओ, अपोजिट नेचर है सटाओ, प्लस प्लस को भगाएगा, प्लस माइनस को सटाएगा, ये हटाने और सटाने की प्रक्रिया तुरंत होती है। क्लियर? चलिए ये दोनों डिफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जानेंगे कि चार्ज क्या है, अभी तो चार्ज का डिफिनेशन हम चार्ज के प्रॉपर्टी के आधार पे जान रहे हैं। यहां तक क्लियर है पूरा? यहां तक क्लियर है? देखो अगर ये पूरा चैप्टर अच्छा करना चाहते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये 8 मार्क्स का चैप्टर है, सीबीएसई में भी 8 नंबर का आता है, बिहार बोर्ड में भी 8 नंबर का आता है। क्लियर? और इसका यूज आगे बहुत चैप्टर है। जिस बच्चे का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छा होगा उसका मैग्नेटिज्म अच्छा होगा। लिखे थे ना शुरू में ब्रांच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो भाग में बटा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जितना अच्छा होगा ना, जानते हो ना कि 11th में कैसे कनेक्टेड चैप्टर रहता है कि ये चैप्टर अच्छा होगा तो आगे भी यूज होगा, उसी प्रकार 12th में भी कनेक्टेड चैप्टर रहता है। अगर आप पहला चैप्टर अच्छा कर लिए 12th का तो आने वाले चैप्टर में भी इसका हेल्प मिलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, अच्छे से पढ़िएगा, है ना। और लाइव क्लास तो एकदम ऑफलाइन की तरह है ना, आपको एकदम ऑफलाइन की तरह फील हो रहा है। क्लियर? यहाँ तक चले हैं, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, एकदम फील हो रहा है, फील हो रहा है? हाँ, हट गए, ले लो, एकदम ऑफलाइन वाला मजा आ रहा है ना, जल्दी बोलो। लाइव में और बच्चे आना चाहिए, एकदम फील हो रहा है ना? ले लिए स्क्रीनशॉट? चलें, अच्छा से लीजिए नोट्स, बनाइएगा अच्छे से। 12th मतलब सब कुछ, जिसका 12th गड़बड़ उस कोई लायक नहीं रहेगा, वो कोई लायक नहीं रहेगा, है ना। चलिए क्लास 2 बजे तक होगा, 1.5 घंटे का क्लास रखें लाइव, 12:30 से 2, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। आज सैटरडे है तो आज के बाद लाइव होगा, फिर ट्यूसडे को बीच में रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा 11th का, ठीक है ना। फिर बाद में क्लास डेली भी कर देंगे बाबू, ये सब लाइव क्लास मत लेको, 1:30 बजे मैथ क्लास है। अपना क्लास अभी 25 तक तो ये फिक्स रखे हैं, टाइम बेहतर है। मैथ क्लास लाइव थोड़ी होगा, रिकॉर्डेड होगा। इस टाइम में और सर क्लास रखे तो बोल दीजिएगा सर फिजिक्स वाले सर का लाइव क्लास है, अगर टाइम मैच करे तो फिर रिकॉर्डेड वीडियो देखिएगा। अभी फिलहाल हम इसी टाइम में लाइव लेंगे, ठीक है? नहीं, रिकॉर्डेड जाएगा, हर लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। आज तो पहला क्लास है, नॉर्मल नॉर्मल बात करेंगे, है ना। अगले क्लास से और मजा आने लगेगा, एकदम जहां हो ना वहां कूदने लगोगे, कुदा देंगे कुदा, है ना, एकदम जमीन छोड़ा देंगे तुमको, हवा में नहीं उड़ा दिए तो बेकार है फिर। हर लाइव का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। है कुछ बच्चा आता है खाली अटेंडेंस बनाने, मुंह दिखाने, लाइव होगा गायब हो जाएगा, है ना। चले आगे, लाइव आके गायब हो जाता है तो उसका नाम रख देंगे चौथरमल,
है ना बाबा चौथरमल की जय। जो लाइव आके गायब होगा उसका नाम रहेगा बाबा चौथरमल। बाबा चौथरमल की जय। नारा लगा देना है ना। चले चलो आगे बढ़ते हैं। ओके अब आइए समझते हैं चार्ज क्या है, कहां से आया चार्ज, ये इसके उत्पत्ति का सिद्धांत क्या, आइए समझते हैं सारा चीज को। और ये दो टाइप में क्यों बटा, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है, सारा चीज समझाते हैं। आइए आप चार्ज का रियलिटी जानेंगे हम लोग। मान लो आप लोग बचपन से प्रैक्टिकल किए होंगे। मान लो मेरे पास कुछ कागज का टुकड़ा है ना, आप लोग भी घर पे कीजिएगा। मान लो बैलून है आपके सामने, अगर घर में बैलून है तो बैलून को फुला लेना और बाल आपका सूखा हुआ होना चाहे ना तो बाल सूखा लेना और बैलून को ऐसे रगड़ना है ना। जैसे मान लो अभी तो मेरे बाल में तेल लगा हुआ है ना, एकदम बाल सूखा हुआ होना चाहिए, प्लास्टिक के रॉड से या बैलून से रगड़ना। जब इसको बहुत देर तक रगड़ोगे, 3-4 मिनट तक रगड़ना ठीक है ना, और कागज़ के टुकड़ा के पास लाना, देखो देखो हुआ ना, देखो अट्रैक्शन है ना, देखो कुछ दिखा, आधा में तेल लगा हुआ आधा सूखा ले बाल, अरे या या देखा अट्रैक्शन। ये क्या है हुआ, पहले देखो अभी कुछ नहीं हो रहा है ना, इसमें अट्रैक्शन है, देखो देखा प्रैक्टिकल, देखा प्रैक्टिकल, क्यों सटा ये, क्यों सटा, प्यार हुआ, क्यों सटा, प्यार हुआ, ये क्यों सटा। तो जब हम इस प्लास्टिक रॉड को अपने बाल से रग रहे और इस कागज के पास इसको हम लाए तो क्या हुआ, अट्रैक्ट करने लगा। देखो इसमें अभी तक सटा हुआ है, अब बताओ इसमें हम फेविकॉल तो नहीं लगाए हुए हैं, तो ये किसके कारण हो रहा है, चार्ज के कारण हो रहा है, चार्ज के कारण हो रहा है ना। तुम लोग भी घर पे कर सकते हो, या प्लास्टिक रॉड ले लो, सूखे हुए बाल से रगड़ो, देखो पेपर का टुकड़ा उसमें चिपकने लगेगा, या बैलून से भी कर सकते हो, बैलून को हवा से भर लो, बैलून को बाल में रगड़ो और छोटे छोटे टुकड़ा के पास लाओ। तो जब हम रगड़ा रगड़ी किए तो चार्ज उत्पन्न हो गया, क्या किए, रगड़ा रगड़ी किए। प्रैक्टिकल अभी आप लोगों को दिखा, प्रैक्टिकल दिखा है ना, प्रैक्टिकल दिखा आप लोगों को, मजा आया ना, है ना। तो जब रगड़ा रगड़ी होता है तो चार्ज उत्पन्न होता है, लिखो कहीं पे, रगड़ा रगड़ी के दौरान चार्ज उत्पन्न होता है। रगड़ा रगड़ी मतलब फ्रिक्शन है ना, रबिंग, आगे पढ़ाएंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। देयर आर थ्री मेथड ऑफ चार्जिंग, तीन मेथड से हम चार्ज कर सकते हैं बॉडी को। बात आ रही है समझ में, है ना, घर पे आप लोग भी कर सकते हो ठीक है ना, पूरा प्रैक्टिकल समझाएंगे, पूरा प्रैक्टिकल। एक काम करो, व्हाइट बैकग्राउंड पे अच्छे से दिख रहे हैं हम, फ्रिक्शन रगड़ा अग्रीमेंट फ्रिक्शन, व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा अच्छे से, चाहे हरा करते हैं, हरा पे दिख रहा अच्छे से, चले। तो अभी आप प्रैक्टिकल देखे कि जब क्या किए, पेपर के टुकड़ा को रखे कहीं पे और प्लास्टिक रॉड को हम अपने बाल से रगड़े तो वो प्लास्टिक के टुकड़ा में चिपकने लगा है ना। एक बार फिर से देखते हैं, फिर से देखते हैं, फिर से देखते हैं चीजों को। क्या हुआ ये
है ना, क्या हो रहा है ये चार्ज के कारण हो रहा है। जब हम इसको यहाँ रख रहे तो ये आवेशिक हो गया, चार्ज्ड हो गया। क्या हो गया? चार्ज्ड हो गया। क्या हो गया? चार्ज्ड। आज जब ये चार्ज है, इसके पास प्लास्टिक को हम पेपर के पास लाया तो इसमें सटने लगा, इसका मतलब ये सारा घटना किसके कारण हो रहा है? चार्ज के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? चार्ज के कारण हो रहा है। आइए चीजों को और समझते हैं गहराई से, है ना, और चीज समझते हैं सर, चीजों को और समझते हैं गहराई से। आइए चलें, आप ध्यान से समझना, और भी सारा प्रैक्टिकल भी सामने आएगा, प्लीज ध्यान से समझना, एकदम मजा आने वाला है। मान लो ये सिल्क क्लॉथ है, क्या ये सिल्क का टुकड़ा है, और मेरे पास दो ग्लास रॉड है। मान लो ये दो ग्लास रॉड है, समझना ध्यान से, क्या ये दो ग्लास रॉड है, देख रहे हो ना, इस सबको अभी पास में लाए तो कुछ नहीं हो रहा है, देखो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये न अट्रैक्शन और रिपल्शन कुछ नहीं हो रहा है। अब क्या करते हैं हम, इसको भी रगड़ दिए, सिल्क क्लॉथ है ये, ग्लास रॉड को रगड़े, एक बार इससे रगड़े और एक बार इससे रगड़े। जब इस प्रैक्टिकल को अच्छे तरीके से किया जाए तो ग्लास रॉड एक दूसरे में सटने लगेगा। हम कहना क्या चाहते हैं ध्यान से समझो, जैसे मान लो दो ग्लास रॉड था, मान लो इस शेप का है, दो ग्लास रॉड था, ये दोनों को हम एक दूसरे के करीब रखे, मतलब दो ग्लास रॉड हमारे पास था, ये दोनों को हम करीब रखे, कुछ नहीं हुआ दोनों में, कोई हिल डोल नहीं हो रहा है, कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं। लेकिन ये दोनों ग्लास रॉड को बारी बारी से हम अगर सिल्क के कपड़े से रगड़ेंगे तब ये दोनों एक दूसरे से दूर भागने लगेगा, है ना। जब सिल्क के कपड़े से ये दोनों ग्लास रॉड को बारी बारी से रगड़ के आपस में पास लाएंगे तो दोनों एक दूसरे से दूर भागने लगेगा, क्लियर। अब ये ग्लास रॉड नहीं है, ग्लास रॉड अभी रहता पास में, तो इस चीज सामने भी दिख सकते हैं, है ना, फील करो उस चीज को। तो क्या क्या किए ध्यान से देखो, है ना, मान लो किसी भी शेप का ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड है, है ना, ये भी ग्लास रॉड है, ये भी ग्लास रॉड है, ये दोनों को इनिशियल जब हम पास में रखे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन सिल्क के कपड़े से रगड़ने के बाद जब पास में रखे ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगा, दोनों एक दूसरे को भगाने लगा, ठीक है। ये प्रैक्टिकल ये की देख रहे हो ना, सेम चीज एक दूसरे को भगा रहा है, यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है। अब क्या किए, ग्लास रॉड के जगह हम एक प्लास्टिक रॉड लिए और फिर इसको सिल्क क्लॉथ से रगड़े, एक दूसरा प्लास्टिक रॉड लाए उसको भी रगड़े। अगर दो प्लास्टिक रॉड को, जैसे मान लो ये दो प्लास्टिक रॉड है, ये दो प्लास्टिक रॉड है, ठीक है, ये दोनों को आपस में जब पास में लाए तो कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं हो रहा था, लेकिन ये दोनों को हम इससे रगड़े, ये दोनों को इससे रगड़े, रगड़ने के बाद जब दोनों को लाए तो दोनों एक दूसरे को भगाने लगा। बात समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? पहले क्या किए, दो प्लास्टिक रॉड को एक दूसरे के पास रखे तो कोई हलचल नहीं हो रहा था, ठीक है। लेकिन अगर दोनों प्लास्टिक रॉड को एक कपड़े से रगड़ दिए तब दोनों में हलचल होने लगा, क्या होने लगा, हलचल होने लगा। तो मान लो ये प्लास्टिक रॉड है, ये प्लास्टिक रॉड है, ये भी प्लास्टिक रॉड है, जब ये दोनों को सिल्क के कपड़े से रगड़े, रगड़ने के बाद पास में लाए तो दोनों एक दूसरे को भगाने लगा, क्लियर। तो देख रहे कि सेम चीज सेम नेचर में रिपल्सन हो रहा है, दोनों यहां पे रिपेल हो रहा है, सेम नेचर में रिपल्सन हो रहा है, रिपेल
यहां भी रिपेल किया। अब क्या किए, एक ग्लास रॉड ले लिए और एक प्लास्टिक रॉड ले लिए, यहां से ग्लास रॉड ले लिए और यहां से प्लास्टिक रॉड ले लिए। अब देखो क्या किए, एक ग्लास रॉड ले लिए और यहां से एक प्लास्टिक रॉड ले लिए। दोनों एक दूसरे को खींचने लगा, यहां पे अट्रैक्शन होने लगा, मतलब सेम चीज भगा रहा था एक दूसरे को, सेम चीज एक दूसरे को भगा रहा था, है ना, और यहां पे अपोजिट चीज एक दूसरे को खींच रहा था। यहां से ग्लास रॉड लिए, यहां से प्लास्टिक रॉड लिए, तो दोनों एक दूसरे में सटने लगा, प्यार होने लगा, एक दूसरे के करीब आना चाह रहा है, एक दूसरे में समाना चाह रहा है, या एक दूसरे से भागना चाह रहा है, या एक दूसरे में समाना चाह रहा है, आ जाओ मेरे में समा जाओ, आ जाओ मेरे में डूब जाओ, सुने हो ना गाना, आओ समुंदर में डूब जाओ। तो यहां पे अट्रैक्शन होने लगा। तो बाय परफॉर्मिंग सेवरल एक्सपेरिमेंट हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेम चीज में रिपल्सन होगा, अपोजिट चीज में, सेम चीज में रिपल्सन, रिपल्सन अपोजिट में अट्रैक्शन। मतलब इसका मतलब है ये क्यों हो रहा है, अगर जनरल दो ग्लास रॉड को हम ऐसे पास में रखें कुछ नहीं होगा, दोनों के बीच में कोई हलचल नहीं, दो प्लास्टिक रॉड को आपस में पास में रखें कोई हलचल नहीं होगा, लेकिन दो ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ने के पास, रगड़ने के बाद एक दूसरे के पास लाए तो दोनों भागने लगा, दोनों भागने लगा, दो प्लास्टिक रॉड को सिल्क के कपड़े से रगड़ने के बाद एक दूसरे के करीब लाए तो दोनों भागने लगा, दोनों भागने लगा, क्लियर। और जब इसमें इससे एक ग्लास रॉड लिए और इससे एक प्लास्टिक रॉड लिए और दोनों को सटाए तो दोनों सटने लगा, दोनों में प्यार होने लगा। इसका मतलब है कि ये क्यों हो रहा है, जरूर कोई ना कोई बात है, रगड़ा रगड़ी से बॉडी चार्ज हो गया। जब हम सिल्क के कपड़े से ग्लास, दोनों ग्लास रॉड को रखे तो दोनों ग्लास रॉड पे कुछ ना कुछ तो ऐसा शक्ति आ गया, कुछ ना कुछ आ गया जिसके कारण दोनों एक दूसरे से भागने लगा। दो प्लास्टिक रॉड को जब हम सिल्क के कपड़े से रगड़ने के बाद करीब लाए तो दोनों एक दूसरे से भागने लगा, और यहां से एक प्लास्टिक रॉड लिए, यहां से एक ग्लास रॉड लिए, दोनों को करीब लाए तो दोनों सटने लगा। कुछ तो जरूर बात है, क्या ये यही तो चार्ज है, यही तो चार्ज है कि सेम चीज में रिपल्सन हो रहा है, सेम चीज में रिपल्सन हो रहा है, अपोजिट चीज में अट्रैक्शन हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है, कोई ना कोई गुण है, इसी गुण का नाम चार्ज रखा गया, कोई ना कोई फैक्ट है, इसी फैक्ट का नाम चार्ज रखा गया। और चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, इसके बारे में जानकारी ड्यूफे ने दिया। क्या दिया, कौन साइंटिस्ट, उनका नाम था ड्यूफे, ड्यूफे है ना, ने बताया, ड्यूफे जो है वो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को बताया। चार्ज दो टाइप के होते हैं, चार्ज दो टाइप के होते हैं ये ड्यूफे ने बताया, नाम तो ये नहीं दे पाए, ये नाम नहीं दिए, चार्ज दो प्रकार के होते हैं इसकी जानकारी कौन साइंटिस्ट दिए, ड्यूफे ने। चार्ज का नाम रखे थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव होता है, इसका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रखा था, और पॉजिटिव नेगेटिव से पहले चार्ज का नाम होता था विटेरियस और रिजोनियस, है ना। ड्यूफे ने बताया कि चार्ज दो प्रकार का होता है, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव रखा। पॉजिटिव नेगेटिव के पहले चार्ज का नाम विटेरियस और रिजोनियस था, यही दोनों बाद में कहलाया पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, क्योंकि ये नाम थोड़ा सा अजीब टाइप था, ये नाम थोड़ा अजीब था, है ना। विटेरियस को पॉजिटिव बोला गया और रिजेनियस को निगेटिव बोला गया, थोड़ा अजीब नाम था, इसको फिर सही नाम दिया गया। तो बाय परफॉर्मिंग सेवरल एक्सपेरिमेंट, ये सब एक्सपेरिमेंट के बाद चार्ज के टाइप को बताया गया, है ना, किसके टाइप को बताया गया, चार्ज के टाइप को, ये दो टाइप के होते हैं, ड्यूफे ने बताया, और चार्ज के नाम की जानकारी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया, पॉजिटिव और निगेटिव, इससे पहले ये दोनों नाम था विटेरियस और रिजेनियस, ठीक है। और इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी कहानी है कि पॉजिटिव निगेटिव नाम क्यों रखा गया, है ना, लॉजिक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के आधार पर पॉजिटिव और निगेटिव नाम रखा गया। आइए हम ऑपरेशन बताते हैं कि क्यों पॉजिटिव और निगेटिव रखा गया नाम।
सोचो अगर हम प्लस चार और प्लस चार ऐड करते हैं तो प्लस एट होता है। चार्ज का दोनों नाम जो पॉजिटिव निगेटिव पढ़ा, इसके पीछे भी कहानी है, बहुत रोचक कहानी है और मैथमेटिकल ऑपरेशन के आधार पर नाम रखा गया है, ध्यान से सुनिएगा। देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं, प्लस चार प्लस चार प्लस आठ हो गया, माइनस चार क्या हो गया, माइनस एट हो गया। देखो सेम चीज को जोड़ रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रहा है ना, सेम चीज को जोड़ रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रहा है। तो सोचो वैल्यू बढ़ने का मतलब हो गया कि फिजिक्स में सेम नेचर वाले चार्ज को अगर बगल में लाएंगे, सेम नेचर वाले चार्ज को बगल में लाएंगे तो दूरी बढ़ने लगेगी, रिपल्सन होने लगेगा। हो सकता है कि इस पे प्लस प्लस हो, इस पे माइनस माइनस हो, नहीं मालूम है कि क्या है, है ना। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज होता है, ठीक है। तो उस सीरीज के माध्यम से ये पकड़ा जाता है, उस सीरीज भी हम बता देंगे, ठीक है। या डीपीपी में वो चीज़ होगा, जो असाइनमेंट आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, वो पीडीएफ में इसका सीरीज है। बात समझ में आया कि किस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, किस पे निगेटिव चार्ज होगा, ये जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, उस पीडीएफ में लिखा हुआ है। अभी मान लेते हैं कि इस पे प्लस प्लस होगा, है ना, इस पे भी प्लस, इस पे प्लस, प्लस प्लस को रिपेल किया, माइनस माइनस को रिपेल किया, है ना, प्लस माइनस को अट्रैक्ट किया, ठीक है। तो ये जो प्लस माइनस रखा गया पॉजिटिव नेगेटिव, इसके पीछे हम कहानी को बताते हैं। ये बस हम कन्वेंशन ले लिए हैं कि ये प्लस प्लस होगा, ये माइनस माइनस होगा, ग्लास रोड प्लस होगा, प्लास्टिक रोड माइनस होगा, ये बस मान लिए हैं, मान के ऐसा चल रहे हैं। एक सीरीज के माध्यम से पता चलेगा कि प्लस किस पे होगा, माइनस किस पे होगा, उसका जरूरी अभी नहीं है। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, जैसे क्वेश्चन में दे देगा कि प्लास्टिक रॉड को, है ना, सिल्क के क्लॉथ से रगड़े, ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रगड़े, तो बताइए एगो चार्ज लॉस किया, एक चार्ज गेन किया, तो वहाँ पे सीरीज का चर्चा करेंगे। क्वेश्चन जब बताएंगे तब कि किस पे प्लस होगा, किस पे माइनस होगा। अभी सीरीज का चर्चा से कोई फायदा नहीं है, अभी मेन मुद्दे पे आते हैं हम लोग कि चार्ज का नाम पॉजिटिव निगेटिव कैसे रखा गया मैथमेटिकल ऑपरेशन के आधार पर, मैथमेटिकल ऑपरेशन के आधार पर। आइए समझाते हैं। देखो ग्लास रॉड को, ग्लास रॉड को के पास लाए तो भगाने लगा, रिपेल करने लगा, रिपल्सन मतलब दूरी बढ़ गया। प्लास्टिक रॉड को प्लास्टिक रॉड के करीब लाए तो भगाने लगा, रिपल्सन हो गया, दूरी बढ़ने लगा। ग्लास रॉड को प्लास्टिक रॉड के पास लाए तो दूरी घटने लगा, अट्रैक्शन हो गया। तो इस फेनोमिनन के आधार पे चार्ज का नाम पॉजिटिव और निगेटिव रखा गया। आइए मैं समझाता हूँ। प्लस चार प्लस आठ, माइनस चार माइनस आठ। ध्यान से सोचो, दो सेम चीज़ को जोड़ रहे हैं, दो सेम चीज को जोड़ रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रहा है। तो ये जो वैल्यू बढ़ गया ना, प्लस चार प्लस आठ हो गया, माइनस चार माइनस आठ हो गया। तो जो दो सेम चीज को, मैथ में जब दो सेम चीज को जोड़ते हैं, मैथमेटिक्स में जब दो सेम चीज को जोड़ते हैं तो वैल्यू बढ़ जाता है। और इस बढ़ने की क्रिया को ही फिजिक्स में नाम दिया गया रिपल्सन। ये जो वैल्यू बढ़ गया ना, फिजिक्स में इसे रिपल्सन कहा गया। क्या कहा गया? रिपल्सन कहा गया, मतलब बढ़ना, दूरी बढ़ना। और रिपल्सन का मतलब बॉडी एक दूसरे से दूर जाएगा, है ना मजेदार। प्लस चार प्लस आठ, माइनस चार माइनस आठ। तो सेम चीज को जोड़ने पे वैल्यू इंक्रीज हो गया। अब फिजिक्स में इंक्रीज का नाम रखा गया रिपल्सन, मतलब दूरी बढ़ना। दूरी बढ़ने लगेगा ना, रिपल्सन होगा तो दूरी बढ़ने लगेगा, एक दूसरे से दूर जाने लगेगा। अब सोचो प्लस चार माइनस चार कितना हो जाएगा? जीरो। दो अपोजिट चीज को जोड़ेंगे तो वैल्यू जीरो आ गया। दो अपोजिट चीज को जोड़ने से वैल्यू जीरो आ गया। वैल्यू जीरो का मतलब हो गया कि फिजिक्स में वैल्यू, देखो मैथमेटिक्स में जीरो का मतलब हो गया डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग का मतलब फिजिक्स में अट्रैक्शन, दूरी घटना। और दूरी घटेगा तो एक दूसरे में समा जाएगा, है ना। प्लस चार माइनस चार जीरो हो गया, जीरो का मतलब अट्रैक्शन, एक दूसरे में समा गया। आ जाओ मेरे में समा जाओ, यानी प्लस और माइनस एक दूसरे के करीब आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे आ जाओ समा जाओ, है ना, क्योंकि वैल्यू जीरो हो रहा है। जीरो का मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, और इसका मतलब रिपल्सन। तो ये जो पॉजिटिव निगेटिव नाम रखा गया, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन के नाम पे रखा गया। ये एग्जाम्पल समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी रिप्लाई करो, मजा आ रहा है ऑफलाइन की तरह, पूरा नॉलेज आपको मिल रहा है, एकदम डेप्थ में पढ़ाई हो रहा है।
बोलो, रिप्लाई करो, आगे बढ़ेंगे। क्लियर आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? आ रहा है? ये वाला समझ में आया? आया? जल्दी सब क्लियर है यहाँ तक? आया? चले आगे। एकदम मजा आ गया पूरा? ऑफलाइन से ज्यादा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो, ऑफलाइन से ज्यादा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रेजेंटेशन बहुत कम है यार, प्रेजेंटेशन बढ़ाओ। क्यों नाम रखा गया पॉजिटिव निगेटिव? क्लियर समझ में आया ना? मैथमेटिकल ऑपरेशन के आधार पे सेम चीज को जोड़ेंगे, वैल्यू बढ़ जाएगा। बढ़ना मतलब फिजिक्स में रिपल्सन, रिपल्सन मतलब दूरी बढ़ना। दो अपोजिट चीज को जोड़ेंगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगा। जीरो मतलब फिजिक्स में अट्रैक्शन। क्लियर? इसलिए पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। अरे ठीक है, मजा आ रहा है ना? ऑफलाइन की तरह फील हो रहा है ना? मेरे बात के भावना को समझो, ठीक है ना? अब तुम लोग क्या करो, अभी हम यही बोलेंगे, फालतू जो भी खर्च है बंद करो। अरे यार, तुम जब क्लास आता था तो टेम्पू चढ़ के आता था, कुछ रास्ते में खा लिया, कभी गुपचुप खा लिया, कभी चाउमीन खा लिया, वो तो पैसा बच रहा है। तो ये सारा पैसा बचा के मोबाइल में नेट रखो। अभी तो कोई फालतू खर्च नहीं है, ना हॉस्टल खर्च है, ना रूम भाड़ा खर्च है, ना खाने में खर्च है, घर पे हो, है ना, ना ऑटो भाड़ा खर्च है, ना नाश्ता पानी में खर्च है, सब फालतू खर्चा बंद है। मोबाइल में नेट रखो, बाकी पढ़ाने की जिम्मेवारी मेरी है। क्लियर? सिर्फ पढ़ाने की जिम्मेवारी मेरी है। चलें आगे, चलें। तो ये सब तो नाम हो गया, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चले, स्क्रीनशॉट ले लिए। नेक्स्ट, तो टाइप्स ऑफ चार्ज बाय परफॉर्मिंग सेवरल एक्सपेरिमेंट। चार्ज दो प्रकार के हुए, पॉजिटिव और निगेटिव। आप पहले नाम क्या था? विटेरियस और रिजेनियस। विटेरियस को पॉजिटिव बोला गया और रिजेनियस को नेगेटिव बोला गया, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है, दो भाग में बटा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पहला टॉपिक लिखेंगे आप लोग पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी दीजिएगा। पहला टॉपिक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। मान लो ये कोई न्यूट्रल बॉडी है। अब समझेंगे कि पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी क्या होता है। ये कोई न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, और न्यूट्रल बॉडी में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन माने पॉजिटिव चार्ज,
किसी एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, उतना ही आउटसाइड न्यूक्लियस के आउटसाइड नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे कार्बन 6 प्रोटॉन अंदर में होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा, 6+6-0, इसलिए एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो कोई न्यूट्रल बॉडी है जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है। अब ये न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करने लगा, रिमूव कर दिया, मालूम किसी सोर्स के माध्यम से, किसी डिवाइस के माध्यम से इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो जब कोई न्यूट्रल बॉडी अपना फ्री इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करता है ना, आप ये मत बोलना कि इलेक्ट्रॉन लॉस किया, फ्री इलेक्ट्रॉन लॉस किया। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंपल समझना कि मान लो ये कॉपर का प्लेट है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब समझो ये कॉपर का प्लेट है, तो कॉपर के प्लेट में हजारों एटम्स, मान लो इतना बड़ा कॉपर का प्लेट है, जैसे हम लोग बहुत सारे सेल से बने, तो ये कॉपर एटम बहुत सारे एटम्स, ये कॉपर का जो प्लेट है ये बहुत सारे एटम से बना, हर एटम के न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एटम के साथ लूजली बॉन्ड होता है, और लूजली बॉन्ड होने के कारण वो फ्री टू मूव होता है ना, मतलब एटम के न्यूक्लियस के बाहर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एटम के साथ लूजली बॉन्ड होता है और वो फ्री टू मूव होता है ना, वो एटम के अंदर मतलब कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के सरफेस के अंदर फ्री टू मूव होता है। इसके अंदर बताओ हजारों एटम्स, तो हजारों फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, मान लो ये हजारों एटम से बना, तो हर एटम का इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एटम के साथ फ्री होता है, लूजली बॉन्ड होता है, तो इसके अंदर वो फ्री टू मूव होता है, आराम से मूव कर रहा है वो, चूँकि इलेक्ट्रॉन एटम के साथ लूजली बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होता है, उसको रोकने वाला कोई नहीं, इसलिए उसका नाम पड़ गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सिंपल शब्दों में समझो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब कोई न्यूट्रल बॉडी अपना फ्री इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है तो इट बिकम्स अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, केमिस्ट्री में भी ये चीज़ पढ़े हो, तो ये बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, क्या बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो जब कोई न्यूट्रल बॉडी अपना फ्री इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा तो अब यही न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा, क्लियर। और जानते हो केमिस्ट्री में एक लॉस किया तो एक प्लस आएगा, दो लॉस किया तो दो प्लस आएगा, ये जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना प्लस इस पे आ जाएगा, है ना, केमिस्ट्री में भी तुम देखते हो, ठीक है। चलो अब बताओ, न्यूट्रल बॉडी में तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है कि नहीं। ध्यान से देखो, ये न्यूट्रल था, अब इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ी तो और घटी तो नहीं, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा हो गया पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में। और सिंपल, मेरे पास 5 5-star है और 5 dairy milk है, हम 2 डेयरी मिल्क खा जाएंगे तो 5-star बढ़ने लगेगा क्या, नहीं। मान लो 5 डेयरी मिल्क है, 5 5-star है, हम डेयरी मिल्क 2 खा गए तो 5-star के रिस्पेक्ट में डेयरी मिल्क कम हो गया, डेयरी मिल्क 3 बचा, 5-star 5। तो ऐसा तो नहीं है कि 5 5-star है और 5 डेयरी मिल्क है, डेयरी मिल्क 2 खाया तो 5-star 5 से 7 हो गया, ऐसा तो नहीं है। 5-star जो चॉकलेट है वो डेयरी मिल्क की अपेक्षा ज़्यादा हो गया, उसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा हो गया, यानी कि उसकी संख्या बढ़ गई। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थोड़ी अलग से आया, यही न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गया। तो इन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिवली चार्ज तभी बना जब इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो स्वाभाविक है इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगा, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में प्रोटॉन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से, मतलब हम बोल सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में एक्सेस ऑफ प्रोटॉन रहेगा, ऑब्जेक्टिव में दे देगा। इन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रोटॉन का क्या रहता है, एक्सेस या डिफिशियंसी, एक्सेस प्रोटॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन
ऐसे करो, ये एरो को गायब करो, ऐसे लिखो। इन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगा, ठीक है। अब इसका डिफिनीशन इसको थोड़ा छोटा करें। लिखते हैं डिफिनेशन, व्हेन आर न्यूट्रल बॉडी लॉस्ट इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन, व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी लॉस्ट इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन देन इट बिकम्स a positively charged body, in positively charged body, in positively charged body. Number of protons is greater than number of electrons. जो चीज बोले हैं वो यहाँ पे लिख दिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना और नोट्स बनाना, है ना। पढ़ भी देते हैं, When a neutral body, जब कोई न्यूट्रल बॉडी lost its free electron, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, देन इट बिकम्स अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, तब वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाता है। और इन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। ये सारा चीज़ क्लियर है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद हम लोग निगेटिवली चार्ज बॉडी पढ़ेंगे, जल्दी। क्लियर है सारा चीज, क्लियर है। ऑब्जेक्टिव में बोलेगा एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होता है, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में। एक्सेस का मतलब प्रोटॉन बढ़ गया और डिफिशियंसी मतलब इलेक्ट्रॉन घट गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस किया तभी तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बना, ठीक है। ले लिए स्क्रीनशॉट। अगला निगेटिवली चार्ज बॉडी, निगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। देखो ये न्यूट्रल बॉडी है और जानते हैं कि न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब हम किसी सोर्स के माध्यम से इसको इलेक्ट्रॉन देने लगे, मतलब ये न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन गेंस करने लगा। स्वाभाविक है कि जब न्यूट्रल था तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम था, अब इलेक्ट्रॉन गेन करने लगा, मतलब किसी सोर्स के माध्यम से हम इसको इलेक्ट्रॉन देने लगे, तो ये बॉडी का इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो बॉडी बिकम्स अ निगेटिवली चार्ज बॉडी। मतलब जब कोई न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो निगेटिवली चार्ज बॉडी बनेगा, तो ये बन गया निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। और जानते हो कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम थी, अब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो निगेटिवली चार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, निगेटिवली चार्ज बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, और डिफिशियंसी ऑफ प्रोटॉन्स हो गया, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में कम हो गया,
डिफिशियंसी ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर, ऐसा हुआ है ना, ये बट्टा नहीं है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटॉन्स हो गया। तो इसका डिफिनेशन क्या बनेगा, जब कोई न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन किया किसी सोर्स के, तो वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा, और नेगेटिवली चार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा होगी, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डिफिशियंसी ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा, प्रोटॉन घट जाएगा। आइए इसका डिफिनेशन लिखते हैं, इसको थोड़ा साइड में कर दें। When a neutral body gains some free electrons, when a neutral body gains some free electrons लिखो, then it becomes negatively charged body, then it becomes negatively charged body or in negatively charged body, in negatively charged body क्या ज्यादा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, सिंपल, उल्टा हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के अनुसार। अच्छा से स्क्रीनशॉट लेना और लिखना बढ़िया से, ठीक है। When a neutral body gains some free electrons, then it becomes negatively charged body. In negatively charged body, number of electrons is greater than number of protons. ठीक है, समझ में आया अच्छे से। देखो जब भी लाइव आओ पूरा पढ़ो, चले आगे। लाइव जब होइए जाते हैं तो पूरा पढ़िए, बीच में हटिए मत, चलें, चलिए। इस पे एक नोट आएगा, ले लिए स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट नोट क्या है ध्यान से देखो। The excess or deficiency, the excess or deficiency of electrons, या free electrons भी लिख सकते हो, the excess or deficiency of electrons gives the concept of electric charge. अगर हम आपसे पूछे कि चार्ज वाकई में क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि चार्ज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के घटने और बढ़ने की क्रिया को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, है ना। द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का घटना और बढ़ना, मतलब कोई दुनिया में जितना भी एटम है, एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कोई एटम से फ्री इलेक्ट्रॉन का हटना या आना ही तो चार्ज की उत्पत्ति का सिद्धांत है। द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन को ना हम निकाल सकते हैं ना दे सकते हैं, क्लियर, क्योंकि न्यूक्लियस से प्रोटॉन को हटाने में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए,
931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ाएंगे मॉडर्न फिजिक्स में, है ना। किसी न्यूक्लियस को तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज करना पड़ता है, तो ये सारा चीज़ पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में। तो अगर किसी सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यही चार्ज की उत्पत्ति का सिद्धांत है। इसलिए हमने लिखा द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का घटना और बढ़ना ही चार्ज की उत्पत्ति का सिद्धांत है, इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट है। क्लियर। न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो वो न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा। न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दो, न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दो तो वो निगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा। क्लियर। सारा समझ में आया, ये सारा चीज क्लियर है। ओके तो आज इतना ही, अगले लाइव क्लास में हम लोग शुरू करेंगे सम फैक्ट्स अबाउट चार्ज, चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी शुरू करेंगे। बेसिक प्रॉपर्टी 5 होते हैं चार्ज के, उसके बाद उसका फैक्ट होता है कि चार्ज का क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है, चार्ज का कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है, चार्ज है ना इनवेरिएंट होता है ना, चार्ज ट्रांसफर्ड होता है एक दूसरे से, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, बहुत सारा प्रॉपर्टी चार्ज का देखेंगे, है ना। ओके।